अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खालिद ख़ान जो कि बिलोंग करता है पेशावर पेशावर डेयरी से, और ये अंडर 19 यू पेशावर फ़ुटबॉल फेडरेशन है उसका भी एक मतलब ट्रेल्स के लिए ये जा चुका है, तो इनसे कुछ सवाल पूछेंगे उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, मैं आपसे यानी मतलब पहले तो अपनी राय दीजिए कि आपने जो अपना सफ़र स्टार्ट किया है फ़ुटबॉल का कैरियर का स्टार्ट से, तो आखिर तक आपने मतलब आपके साथ क्या क्या मुश्किलात सामने आई, क्या क्या मतलब आपने वो फिर से डिफ़िकल्टीज फेस की, तो उसके बारे में आप ज़रा वजाहत कीजिए। मेरा नाम खालिद ख़ान है, पेशावर से बिलोंग करता हूँ सफ़ेद डेयरी से। मुश्किल तो सबसे ज़्यादा ग्राउंडस की है, और दूसरी मुश्किल जो फेडरेशन बनता उसके अंडर 2013 में हमने अंडर 14 किया, 2014 में फिर फेडरेशन बंद हुआ, फिर 2019 में अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 19 कैंप के लिए गया। कैंप में भी बहुत मुश्किलात हुए फ़ंड वगैरह की, जो वो हमें सही नहीं मिली जी। और कोचेस तो बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बस ग्राउंड वगैरह की बहुत मुश्किलात है जी। यानी मतलब काफ़ी वो आ रही है, लेकिन आजकल क्या कहना चाहूँगे आजकल के बारे में, क्योंकि आजकल के तो पेशावर जो फ़ुटबॉल लीग सीज़न चल रहा है ये बड़ी पेशावर के जो केपीके सूबाई सतह पे जो है बड़ा एक अच्छा इवेंट का इनेकाद कर रहे हैं जो कि 21 नवंबर से स्टार्ट होगा तमास खान स्टेडियम में, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या ये इवेंट के बारे में आपकी क्या वो है जी? अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर लीग तो एक बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है, नौजवान खिलाड़ियों को बहुत वो मिल रही है, अंडर 23 को ये एक अच्छा इवेंट है जो नौजवान खिलाड़ियों के लिए आगे का रास्ता देता है, बहुत अच्छा इवेंट है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया तुफैल भाई कि आपने हमें अपने राय से आगाह किया, सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। थैंक यू खालिद साहब।